मैन्युफैक्चरिंग का आज एक नया टॉपिक है कंपोजिट। अगर आपको ब्रिक्स के ऊपर स्प्रे पेंट से कुछ लिखा हुआ दिखाना है या आपको काई दिखानी है, जैसे ग्रीन काई दीवार पे लग जाती है वो दिखाना है, तो वो इजीली दिखा सकते हो। आपको क्या करना है, फोटोशॉप यूज़ करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉल बना लेते हैं। हमारे पास एक वॉल है। अब इस वॉल के ऊपर पहले हम ब्रिक्स चढ़ाएंगे, फिर स्प्रे पेंट से लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम यूज कर रहे हैं फोटोशॉप, कंट्रोल एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। टेक्सचरिंग के लिए हमेशा टेक्सचर स्क्वायर लेना, मतलब विड्थ जितनी हो हाइट भी उतनी हो। 1K मींस 1024x1024, ये बेसिक है, सबसे बेसिक। पहले के टाइम में 512x512 बेसिक होता था, पर अब बहुत कम यूज़ किया जाता है 512, क्योंकि रिजोल्यूशन हाई हो गए पहले से। तो बेसिक है 1024x1024। गेम्स में यही साइज यूज़ हो रहा है आजकल। मूवीज़ में 2K, मतलब 20, इसका डबल 48, या और भी ज़्यादा 4K, 4096x4096 साइज़ बड़ा हो जाएगा, पर अभी हम बेसिक ले रहे हैं। टेक्सचरिंग के लिए हमेशा 72, क्योंकि प्रिंट के लिए नहीं जाना है, हमारा ओनली देखने के लिए, डिस्प्ले के लिए जानी हर चीज, तो 72, नॉट CMYK, ओनली RGB कलर फॉर डिस्प्ले। पिक्सल में ही काम होता है डिस्प्ले, कभी भी इंचेस या फिट में मत लेना अगर आप मूवी या गेम्स के लिए काम कर रहे हो। 8-bit ही रखना, दैट्स इट। अब हमारे पास 1024 का एक टेक्सचर है। दो कलर में अल्फा चलता है, इसे बोलते हैं अल्फा, ब्लैक और वाइट। अगर मान लो मैंने कहीं पे ब्रश के थ्रू ब्लैक कलर चला दिया, तो यहां से वो चीजें गायब होती जाएंगी, इसका मतलब है ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। और जहां पे व्हाइट कलर चला दिया, इसका मतलब है यहां ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे खाली स्प्रे पेंट दिखाना है और बाकी सब कुछ नहीं दिखाना। तो आप क्या करना, ब्लैक कलर का BG फिल करना और व्हाइट कलर के ब्रश से जो भी आपको लिखना है ठीक है। मान लो स्प्रे पेंट से लिखा मैंने सेव एस, JPG, टारगा, एनीथिंग। गो टू विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपर शीट, अदरवाइज यहाँ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा। अब तक हम लैम्पर्ट ले रहे थे, अब हम लेंगे लेयर्ड शेडर फॉर कंपोजिट। लेयर शेडर के अंदर क्या होता है, ये फोटोशॉप का काम करता है, फोटोशॉप की लेयर 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो लैम्पर्ट लेने, दो लैम्पर्ट, तो दो लैम्बर्ट और ले लो, 1, 2। अब ये दोनों लैम्बर्ट लेयर शेडर के ऊपर ड्रैग कर दो। ये एक तरह से फोटोशॉप की लेयर है, पुरानी वाली हटा देना। फोटोशॉप की दो लेयर आ गई, एक को नाम दे दो, एक लैम्बर्ट को ब्रिक्स, क्योंकि हमें दो लेयर बनानी है, एक पे ब्रिक्स होगी और एक पे स्प्रे पेंट होगा, ब्रिक और एक पे स्प्रे पेंट। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। एक को रेड कर दो, मान लो ब्रिक्स वाले को रेड करते हैं और स्प्रे पेंट वाले को ब्लू कर देते हैं। तो
लेयर शेडर इसके ऊपर ड्रैग कर दो। रेंडर करने पे क्या दिख रहा है? ब्लू कलर। अगर फोटोशॉप में मान लो नीचे वाले पे रेड कलर है और ऊपर वाले पे ब्लू कलर है तो क्या दिखेगा? क्योंकि जो लेयर ऊपर है, तो वही सेम चीज यहां पे है। जो लेयर यहां पे है वो ऊपर है, जो यहां पे वो नीचे है, जो यहां पे और नीचे है, जो यहां पे और नीचे है। ये सबसे ऊपर लेयर है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, जितनी मर्जी लेयर यहां पे ऐड कर सकते हो मटेरियल्स की। तो मैंने दो लैम्बर्ट डाल दिए। अगर मैं स्वैप कर देता हूं ऐसे ट्रैक करके मिडिल माउस से, अब ऊपर कौन सा कलर आ गया? रेड। स्वैप हो गए ना आपस में, समझ आया? आप कभी भी लेयर स्वैप कर सकते हो। तो वही मैंने मटेरियल्स की लेयर मिडिल माउस से स्वैप कर दी। मुझे ब्रिक्स नीचे रखनी है, स्प्रे पेंट ऊपर रखना है। तो ब्रिक्स के ऊपर जो ब्रिक्स वाला टेक्सचर है आप यहां से भी ले सकते हो मटेरियल एट्रीब्यूट से। ये रहा ब्रिक्स वाला आ गया। अब लेयर शेडर में यहां से भी कोई भी एट्रीब्यूट खोल सकते हो। ब्रिक्स के ऊपर मुझे ब्रिक्स की इमेज लेनी है, ब्रिक्स की इमेज ले ली, पर दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि ऊपर तो ब्लू कलर है ना, उसके पीछे छिपा रखा उसने। और टाइलिंग करा दो 3x3 की। देखो टेक्सचरिंग में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस हर सेशन के साथ जो मैं करवा रहा हूं तो आपको ये चीज नहीं आएगी। कवरेज मतलब टेक्सचर कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो मैंने ब्रिक्स, आप थोड़ी देर के लिए चाहो तो ब्रिक्स को ऊपर करा सकते हो ताकि आपको ब्रिक्स दिखे। ब्रिक्स आपने ले ली, पर ब्रिक्स के ऊपर बम्प लाने के लिए क्या करना है? ब्रिक्स के बम्प पे टेक्सचर लेना है आपको, इसके बम्प पे उसका अल्फा ले लेना है। बम का अमाउंट थोड़ा कम कर दो। बम की टाइलिंग अलग आ रही है क्योंकि हमने उसके कलर की टाइलिंग 3 रखी है और बम की टाइलिंग हमने ओनली 1 रखी है, तो हमें वही सेम टाइलिंग करनी पड़ेगी। लो ब्रिक्स बन गई, ब्रिक्स आपकी बन गई। ब्रिक्स वापस नीचे कर दो ताकि आपका स्प्रे कलर ऊपर आ जाए। स्प्रे कलर मान लो येलो कर देते। येलो क्यों ऊपर दिख रहा है? क्योंकि ब्रिक्स उसके नीचे है। अब हमें येलो को मास्क करना है स्प्रे पेंट की शेप में, स्प्रे पेंट की शेप में। तो आपको क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, स्प्रे पेंट के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आपको वो अल्फा पर लेना है जो हमने फोटोशॉप में बनाया। ये अल्फा आ रहा है पर ढंग से प्लेस होके नहीं आ रहा। तो आप हमेशा यूवी को ना नॉर्मलाइज कर देना, नॉर्मलाइज। देखो आ रहा है ना,
ब्रिक्स के ऊपर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ। पर ब्रिक्स के ऊपर जो पंप आ रहा है इसके ऊपर भी पंप आना चाहिए। तो आपने ब्रिक्स के ऊपर जो फाइल टू ली है वही सेम फाइल स्प्रे के पंप के ऊपर टाइप करके, ठीक है टाइप करके, फाइल टू था ना, एंटर मार दो तो इसके ऊपर भी पंप आ गया वही सेम। अब लग रहा है ना कि उसके अंदर दसाव है, तो फिर बता रहा हूं मैं, आप ले लो एक लेयर्ड शेडर, नए सिरे से बता रहा हूं, और पुराने सारे डिलीट अनयूज्ड करके डिलीट मार सकते हो। अब आपके पास सिंगल एक लेयर शेडर है, लेयर शेडर के ऊपर मुझे दो लैम्बर्ट चाहिए, दो लैम्बर्ट। तो कैसे लोगे, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्रिएट में जाके यहां से दो लैम्बर्ट ले लो, इसको नाम दे दो ब्रिक्स, फ्रेकोर, इसे नाम दे दो स्प्रे पेंट। अब ले शेडर के ऊपर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो मिडिल माउस से, और पुराना जो डिफॉल्ट आता ना वो काम का नहीं होता, हटा दिया करो। मेरे पास दो आ गए, स्प्रे पेंट और ब्रिक्स, स्प्रे पेंट ऊपर ब्रिक्स नीचे। ब्रिक्स के लैम्बर्ट पे कलर पे तो वही ब्रिक्स का कलर डालो, और टाइलिंग करा दो 3x3 की, फिर बम्प भी डाल दो फाइल से, और टाइलिंग करा दो 3x3 की, क्यों नहीं दिख रही ब्रिक्स, क्योंकि वो स्प्रे पेंट के नीचे है, स्प्रे पेंट ग्रे कलर का है। तो आपको स्प्रे पेंट भी तो गायब करना है ना, तो स्प्रे पेंट के ट्रांसपेरेंसी याद रखना, ट्रांसपेरेंसी पे वो अल्फा ले लेना जो हमने फोटोशॉप में बनाया है, और रेंडर ग्रे कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि स्प्रे पेंट का कलर ग्रे है। मान लो आपको येलो करना है, आ गया, पर ये वाला बम्प इस पे भी आना चाहिए ब्रिक्स वाला। तो जो ब्रिक्स वाला बम्प है ना वो है फाइल टू नाम का, यही स्प्रे पेंट पे भी फाइल टू लिख कर एंटर मार दो बस, और क्वांटिटी कम, बन गया आपका लेयर शेडर। थोड़ा पास करके रेंडर करते हैं, समझ आया, तो यहां तक करो, नेक्स्ट सेशन में हम आगे करेंगे।